शिवपुरी सावधान, शिवपुरी सावधान, शिवपुरी सावधान। वैसे तो शिवपुरी की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना यहाँ के कुछ जमीन व्यापारियों की नियत का हिस्सा बन चुका है। आखिर शिवपुरी की भोली भाली जनता, जिसको पहले तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपको TNCP से अप्रूव्ड कॉलोनी मिलेगी, आपको रेरा की परमिशन मिलेगी, आपको ग्राउंड मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा, जब पूछती है कहाँ है ये सब, तो नतीजा सिर्फ नील नजर आता है। लेकिन जब तक जनता को ये जमीन कारोबारी लूट चुके होते हैं, या तो जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं, या जिंदगी भर के लिए कर्जदार बना देते हैं। आखिर गलती जनता की या ये कानून से खेलने वाले जमीन कारोबारी है। आज हम बात कर रहे हैं शिवपुरी से सटे सिंहनिवास गांव की। सिंहनिवास गांव में बड़े पैमाने पर खेती की जमीन को सिर्फ डायवर्जन कराकर बड़े हिस्से में अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिसमें कई शहर के नामी गिरामी दलाल सक्रिय हैं। जबकि कुछ दिन पूर्व भी यहां पर करोड़ों की गोपाल जी मंदिर की जमीन पर मुरम की सिर्फ रोड डालकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। और आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इतने बड़े हिस्से पर अवैध प्लॉटिंग हो गई, फिर भी कोई FIR नहीं। आखिर किस अधिकारी का संरक्षण है इन भूमाफियाओं को? आखिर कब तक चलेगा भूमाफियाओं का नंगा नाच? आखिर क्या है नियम? रेरा और आपकी प्रॉपर्टी रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन के सौदा करने पर प्रॉपर्टी ब्रोकर और कॉलोनाइजर को हो सकती है 3 साल की जेल, ग्राहक को भी हो सकती है 1 साल की जेल। अब कोई भी पान का ठेला, चाय के होटल, नाई की दुकान और कहीं चौराहे पर खड़े होकर प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा नहीं कर पाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे बकायदा लाइसेंस लेना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अस्तित्व में आ जाने के बाद से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पर शिकंजा कस गया है। अब ब्रोकर्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले प्रॉपर्टी ब्रोकरों की भूमिका प्रॉपर्टी के खरीदार और बेचने वाले के बीच मीटिंग की व्यवस्था करने और सौदे को अंतिम रूप देकर अपनी सेवा के बदले कमीशन देने तक रहती है। यदि कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर धारा 4 के अनुसार रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराए जाने रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का माल बेचता है, तो यह कोई गलती जानकारी प्रोजेक्ट के बारे में देता है तो 5% तक पेनाल्टी लगेगी। यदि कोई ब्रोकर धारा 9 और 10 का वियोलेशन करता है, मतलब किसी ऐसे प्रोजेक्ट को बेचता है जिसको रेरा में रजिस्टर्ड कराना है और उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, या ग्राहक को गलत जानकारी दी हो, आयकर के हिसाब से बुक्स नहीं रखी हो, ग्राहक को ऐसी सुविधाओं के बारे में बताना जो नहीं दी जा रही है, तो 10,000 रोज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ये फ्लैट मकान या प्लॉट की लागत की 5% हो सकती है और रेरा के डायरेक्शन का उल्लंघन करता है तो अलग से डेली जो भी रेरा निर्धारित कर वह 5% तक पेनल्टी लग सकती है और 1 साल की जेल भी हो सकती है। एग्रीकल्चर जमीन पर कट रही कॉलोनी जमीन के जादूगरों के दिमाग में दौलत की हवस इस कदर बढ़ गई है कि वो शासन के नियमों और कानून को तोड़ने की चीज मानते हैं। इसके लिए वे जनता की गाढ़ी कमाई से तनख्वाह पाने वाले राजस्व विभाग के अमले को अपना बना लेते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला, अवैधों की बात करें तो अवैधों का बादशाह, अवैध जमीन पे अवैध प्लॉटिंग का अड्डा बन चुका है शिवपुरी जिला। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, शिवपुरी का सिंहनिवास के आसपास का इलाका है, सिंहनिवास के आसपास का इलाका है, यहाँ पर जगह जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग को लेकर बार बार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि इस तरीके कोई भी कॉलोनी बिना TNCP की गाइडलाइन के, बिना रेरा की परमिशन के नहीं काटी जाएगी। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ मुरम डालकर साइड में खंडा बोल्डर लगाकर और बस ये प्लॉटों के एरियों में बांट दिया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लॉट एरिया बना दिया गया है और यहाँ तक कि लोगों ने यहाँ नाम लिखवा के बाकायदा लिखवा रखा है प्लॉट के लिए संपर्क करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके की कई कॉलोनियां लगातार यहाँ पर, इसके आगे भी। लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ अगर बात करें कार्रवाई के नाम पर तो सिर्फ खाना पूर्ति कर ली जाती है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर गोपाल जी मंदिर को लेकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कीमती भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ते को रोककर इस जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी, जो मामला उजागर हुआ उसके बाद सिर्फ एक छोटा मोटा जुर्माना करके अपराधियों को छोड़ दिया गया। ये वो जघन्य अपराध है जो हमारी सनातन संस्कृति के धर्म के मंदिरों के जमीनों पर अतिक्रमण कर रहा है।
भाजपा की सरकार में, इस शासन प्रशासन की सरकार में आखिर क्या इन मंदिरों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किए जाएंगे? जहां एक और श्रीराम के मंदिर को बनाया जा रहा है, लोग बाग अपना बहुमूल्य योगदान उस मंदिर को बनाने में दे रहे हैं, वहीं हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध छोटे मंदिर, कई बड़े मंदिरों की जमीनों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जे करके प्लॉटिंग की तैयारी कर दी है, या इवन देन प्लॉटिंग कर दी है। कई प्लॉट इसमें बिछ भी चुके होंगे जो शायद अभी हम लोगों को जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं देखिए कई प्लॉट्स पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्लॉट बना दिए गए हैं, बाउंड्री करके, खंडों की छोटी छोटी बाउंड्री करके प्लॉट्स बना दिए गए हैं। आखिर कब तक लोगों को इसी तरीके से चूना लगाया जाएगा और प्रशासन अपनी आंखें बंद रखेगा? क्या इन लोगों पर FIR नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए इन लोगों की FIR? आखिर ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनके ऊपर FIR कराएगी, प्रशासन इनके ऊपर FIR कराएगा, या फिर हर बार की तरीके से सिर्फ फाइलों के कागजों में दब के रह जाएंगे लोग। मैं अजय राज सक्सेना, शिवपुरी।